चैनल आशीष द्विवेदी व्लॉग्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन मैं इस वीडियो में करा रहा हूं और उसके आसपास जितनी भी जगह हैं घूमने के लिए उसको भी इस वीडियो में कवर किया है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये पहला पार्ट है, इसमें विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करेंगे और सेकेंड पार्ट में काशी और आसपास के वो घूमेंगे। ये देखिए, सामने गया है वाराणसी और लेफ्ट गया है जौनपुर और इलाहाबाद, आगे से ये डाइवर्ट हुआ है। चलिए चलते हैं वाराणसी, हम लोगों को जाना है। ये देखिए मेरा रूम है, ये मैंने सारनाथ में लिया था क्योंकि यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी थी और गाड़ी खड़ी हो गई थी। बनारस में ऐसा कोई होटल जल्दी मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने सारनाथ प्रेफर किया। वैसे आप बनारस में भी रुक सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी थी, नॉट होटल। इसमें फैमिली नीचे रहती और बहुत अच्छे भैया भाभी हैं जिनका ये था। अगर आप लोग यहाँ रुकना चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप अगर बनारस में रुकना चाहें तो वहाँ भी रुक सकते हैं। ये देखिए इनकी जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी थी, आप देख सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरा भी था और घर के ही आगे पार्किंग भी थी। ये देखिए, ये नीचे ये लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, और ऊपर इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं। बहुत साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया है, अच्छा रूम था। तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें तो। इसका टैरिफ मुझे 1000 का पड़ा था। ये देखिए, अब हम लोग विंध्याचल के लिए निकल लिए हैं। कल रात में 7-7:30 बजे पहुँचे यहाँ पे सारनाथ, और सारनाथ से अब विंध्याचल के लिए जा रहे हैं। चलिए आगे, सारनाथ से अब निकला हूँ मैं और विंध्याचल में पहुँच के फिर आपको बताता हूँ कितना टाइम लगा, क्या है, क्या रूट है। चलिए मिलते हैं विंध्याचल में। देखिए, अब हम लोग करीब 40-45 किलोमीटर चल आए हैं सारनाथ से। अब थोड़ा चाय पीने के लिए रुके हैं। यहाँ से विंध्याचल पड़ता ओरई एक है, वहाँ से टर्न है। चलिए आगे चलते हैं, बता रहे हैं 30 किलोमीटर है यहाँ से करीब, तो वहाँ से फिर वहाँ टर्न मिलता है, वहाँ विंध्याचल मिलेगा। चल मंदिर के पास, ये जो ऊपर मकान देख रहे हैं इसी के पास मंदिर बता रहे हैं। और ये पार्किंग है, ये देखिए गाड़ी लग गई है यहाँ पर। ये ओसाई मोड़ से करीब 15 किलोमीटर पड़ता है। चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, देखते हैं वहाँ कैमरा अलाउ है कि नहीं, जैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मार गए है माता विंध्यवासिनी देवी का। इधर से हम लोग आए गाड़ी लगा के स्टैंड पे। यहाँ देखिए रुकने उकने की भी व्यवस्था है, आप रुक भी सकते हैं। सामान 15
अरे वही इंडा है, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैं आपके दर्शन नहीं करा पाया अंदर से। ये देखिए मंदिर का ये सीन है, जब दर्शन करके आप आएंगे तो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, माता जी में बहुत शक्ति है और बहुत सिद्ध स्थान है ये, तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। तो आप लोग जब जाएं तो यहाँ ज़रूर जाएं, इसको मिस बिल्कुल ना करें। जय विंध्यवासिनी देवी की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको टूर प्लान वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं टूर प्लान की। बनारस के लिए 2 दिन सफिशियंट हैं और बनारस के लिए सभी शहरों से कनेक्टिविटी भी है। आप बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं और बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, तो जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन आप रखिए विंध्याचल के लिए, यहाँ से विंध्याचल 65 किलोमीटर के आसपास है, बस भी जाती है और आप प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। और लोकल बनारस घूमने के लिए यहाँ से टेम्पो वगैरह मिल जाते हैं जो 500 लेते हैं और यहीं घुमा देते हैं। होटल का भी ऐसा 500 से 1000 में आपको रूम मिल जाएगा, तो ओवरऑल यही बजट रहेगा। मिलते हैं।